टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजारों में तेजी के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में शनिवार को मूंगफली और सोयाबीन तेल तिलहन, बिनौला, सीपीओ, पामोलियन तेल की कीमतों में सुधार का रुख रहा। वहीं सरसों की नई फसल की मंडियों में आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहन के भाव में गिरावट के साथ ही बंद हुए। बाजार सूत्रों ने बताया कि शिकागो एक्सचेंज 1% मजबूती के साथ बंद हुआ था। सूत्रों ने कहा है कि विदेशी बाजारों में तेजी के बावजूद मंडियों में सरसों की नई फसल की आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहन के भाव में नरमी आई है। उन्होंने कहा कि हल्के तेलों में सोयाबीन और बिनौला तेल से जिस सरसों तेल का भाव 25 से 30 रुपए किलो अधिक रहा करता था, उसके नई फसल की आवक बढ़ने के बाद 15 से 20 दिन में इन हल्के तेलों के मुकाबले 5 से 7 रुपए किलो सस्ता हो जाने का अनुमान है। सूत्रों ने कहा कि सरकार को खाद्य तेलों के आयात को कम करने के साथ तेल तिलहन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तिलहन उत्पादन बढ़ाने को जोर देना चाहिए। तेलों का राजा मूंगफली तेल हल्के तेलों में सोयाबीन और बिनौला तेल से सस्ता हो गया है, वहीं बाकी तेल तिलहनों के भाव अब विवर्तित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।